कक्षा 12वीं की स्टूडेंट सभी ध्यान में, आज इस वीडियो में हम आपको कैसे मैथ की तैयारी करें, यानी कि ये पूरा चार्ट आपको समझा रखा है, कितने कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का जो प्रश्न है वो किस किस चैप्टर से आते हैं पेपर में, वो सब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको गणित में 100 में से 100 नंबर दिलाएगी। और गणित की पूरी तैयारी मात्र 12 दिन में आप किस तरह से कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं हैं बहुत नजदीक हैं, तो आपको 10 से 12 दिन में आप पूरे मैथ की तैयारी करके 100 में से 100 नंबर किस तरह से ला सकते हो। तो इसमें पेपर एक स्ट्रेटजी है, पूरी गाइडलाइंस है, और साथ में आपको विद प्रूफ आपको बताया जाएगा कि आप कर सकते हो। आपका मोटिवेशन इस तरह से डेवलप हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि आप 100 में से 100 बिल्कुल ला सकते हो, गारंटी से। देखिएगा इस वीडियो को पूरा, देखना आप थोड़ा सा समझिए। क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली मैथ की। तो मैथ में पहली बात तो ये चीज देखिएगा, आज का वो समय है, यहां पर क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे नीट जैसे एग्जाम में स्टूडेंट 720 में से 720 नंबर लेकर आ रहे हैं। नीट समझ रहे हो, एक प्रकार से कितना टफेस्ट एग्जाम है, और उसमें भी 700 में 700, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपके में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और ये टिक मार्क भी नहीं है, तो आपके 100 में से 100 आने के चांसेस हैं या नहीं, पहले तो ये सोचिए। बिल्कुल है, वो स्टूडेंट जो 720 में 720 लेकर आया नीट जैसे एग्जाम में, तो आप भी ला सकते हो 100 में से 100 इस रिटन एग्जाम में। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, यदि 100 में से 100 ला सकते हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर एक गाइडेंस होनी चाहिए, प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए, तभी तो ला सकते हो। तो वही प्रॉपर प्लान देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ, बस इसको समझने की देरी है। पहली बात देखिए, और एक चीज और, 100 में 100 लाने के लिए क्या मैं आपसे कहूं, क्या आप 150 प्रश्न आपको दिए जाएं और 5 मॉडल पेपर दिए जाएं, और मैं कहूं कि इन 150 प्रश्न और 5 मॉडल पेपर को करने के बाद आप 100 में 100 ला सकते हो, तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये 150 क्वेश्चन और 5 मॉडल पेपर तो हम 5 दिन में कर देंगे। तो उसी के लिए 5 दिन और बाकी 12 दिन इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आपको ये सब करने के बाद में और क्या करना है कि आपके 100 में से 100 आ जाए। तो पहला पेपर की एक स्ट्रक्चर समझो, मैथ का जो अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन है उस चीज को समझो। पहले देखिएगा मैथ में कितने चैप्टर हैं, पहले उन चीजों को ध्यान में रखो, क्योंकि पहले थोड़ा सा आपको पता हो जाए, टेक्निकली चीज आप समझ लीजिए, तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा पढ़ना। देखिए मैथ में आपके टोटल मिला के कितने हैं, 13 चैप्टर हैं, और यूनिट की बात करूं तो यूनिट 1, 2, 3 ऐसे मिला के 6 यूनिट हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। और गलती कहां पर करते हो आप, सबसे बड़ी गलती भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इससे ये 13 चैप्टर कितने यूनिट हैं, 6 यूनिट हैं, ओके। अब देखिएगा पहली यूनिट में 2 चैप्टर हैं, संबंध एवं फलन नाम की पहली यूनिट है, जिसमें कि 2 चैप्टर हैं आपका संबंध एवं फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इसमें से भी 30% ये कोरोना के कारण जो कट गया था उसमें तो काफी सवाल काट दिए हैं, तो इसमें तो बहुत ही सिंपल सिंपल छोटे छोटे सवाल हैं, और बाकी इसमें थोड़े बड़े हैं। तो ये दोनों चैप्टर आपके 10 नंबर के हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका यूनिट 2 में 2 चैप्टर हैं, आवयव और सारणी, ये आपके 13 अंक की है। 5 चैप्टर है कलन, इसको बोलते हैं कलन, ये मैथ की जान है। क्या है, मैथ की जान बोले तो पूरा सारा कुछ निचोड़ इसी में, क्योंकि ये 44 अंक की है। तो इसी चीज पे गलती करते हो आप, क्योंकि 44 अंक को करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, बाकी ये 44 अंक के अलग भी तो यहाँ पर 66 अंक बचे हुए हैं, तो 66 अंक का ये सारा चीज कहां पे जाता है, इस पर आप कम फोकस करते हो। तो इससे ज्यादा बड़ी गलती आप क्या करते हो पढ़ते समय, सबसे बड़ी गलती ये है, आप जरा समझो, जैसे कि इस बड़े चैप्टर में, यानी कि इसको समझने के लिए 44 अंक का इसको ही पढ़ते रहते हैं, छोटी चीजों को भूल जाते हैं, जैसे कि ये 6 नंबर की ये रेखीय प्रोग्राम है आपका, 6 अंक की यूनिट है, ये 10 अंक की यूनिट है, ये वाली यूनिट है, इनको छोड़ देते हो आप, इनको छोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकली समझो, कि यदि 44 अंक की ये यूनिट है और इसमें कितने 5 चैप्टर है आपके, 1, 2, 3, 4, 5 5 चैप्टर है 44 अंक में, ये 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, अवकलन समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, और इनसे मिलाकर टोटल मिलाकर यदि मैं बात करूं इन 5 चैप्टरों से, 44 अंक में लगभग आपको 70 से 80 क्वेश्चन पढ़ोगे तब जाकर 44 अंक क्लियर होंगे, ठीक है, नॉर्मली मान के चल रहा हूं। और 6 अंक में मैं कह रहा हूं मात्र आपको 3 से 4 प्रश्न ही पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन औसतन फिर भी निकालोगे चलो इसमें लगभग आपका इतना ही लगभग बैठेगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज, सबसे बड़ी चीज पढ़ने में लगभग दोनों का अब चीज तो बराबर बैठेगी सर, 70 से 80 प्रश्न पढ़ो तो 44 अंक हो रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न करो तो 6 अंक हो रहे हैं, लगभग बराबर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, इन 70 से 80 प्रश्न पढ़ने के लिए आपको 50 से 60 प्रश्न तो
50 से 60 फॉर्मूला तो अवकलन और समाकलन के याद करने पड़ेंगे, उसके साथ फिर त्रिकोणमिति के बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेंगे। लेकिन इसके लिए मात्र एक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला तो एक भी पढ़ना नहीं पड़ेगा और ना ही कोई कॉन्सेप्ट, चलो ये कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, मात्र एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, उससे ही आपका ये छह अंक क्लियर हो जाएंगे। तो है ना इजी, तो आप छह अंक वाली चीज को पहले पढ़ो, क्योंकि मात्र एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा है और कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे ही प्रायिकता में आपके दो तीन फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और दो तीन कॉन्सेप्ट हैं, उसमें आपके 10 अंक क्लियर हो जाएंगे। तो मतलब क्या है कि आप पहले वो चीज पढ़ो जिस पर क्या है कि कम फॉर्मूला आपको याद करने पड़ते और जिसमें से 100 ना 1000% वो सवाल आना ही आना है। इसमें 70 में से 80% आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि वो पेपर में ना आए, लेकिन इसमें से जो 2 से 3% भी पढ़ लोगे ना वही पेपर में आते हैं, क्योंकि हर बार एक ही तरह का प्रश्न आता है, एक ही कॉन्सेप्ट पर आता है। तो वो चीज आपको सीखनी है। अब सबसे बड़ी चीज ये देखो कि आपको 8 नंबर का प्रश्न आते कितने हैं और किस किस चैप्टर से आते हैं। तो पेपर का थोड़ा सा एनालाइज देखो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, जरा समझो। 8 अंक के प्रश्न पूरे परीक्षा में आते हैं, 6 आते हैं और 6 में से 3 प्रश्न आपको करने हैं, क्योंकि इसमें 24 मिलती है। कैसे मिलेगी 24? 7वां प्रश्न आपका 8 अंक का रहेगा, 7वें में 2 प्रश्न दे रखे होंगे, 7वें का कै और 7वें का खै, और इसमें लग रही होगी बीच में अथवा, या तो कै प्रश्न को कर दो या खै प्रश्न को कर दो। ऐसे ही आपका 8वें में कै और खै मिल रहे हैं, उसमें से एक करना है। ऐसे 9वें, तो ये इनमें से कुल मिला के 6 प्रश्न आपको दे रखे होंगे, 6 में से कितने करने हैं, 3 प्रश्न आपको करने हैं 8-8 अंक के, यानी कि 8 अंक के ये 3 प्रश्न कर दिए आपने तो 24 अंक क्लियर। मात्र 3 प्रश्न करने पर 24 अंक मिल रहे हैं, तो ये है ना मजबूत। तो सबसे पहले आपको 8 नंबर वाले प्रश्न करने हैं। क्यों? क्योंकि यदि 1 नंबर वाला एक प्रश्न गया तो आपका मात्र 1 प्रश्न ही छूटेगा, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 नंबर ही कम होगा। लेकिन यदि 8 नंबर का एक प्रश्न आपने छोड़ दिया तो आपके 8 नंबर कम हो जाएंगे बोर्ड में, याद रखना। इसलिए 8 नंबर का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है और 8 नंबर के प्रश्नों की तैयारी ज्यादा से करनी है, ताकि वो गलती से भी गलती ना हो इसमें। ओके, चलिए दूसरी बात। कभी कभी होता क्या है कि 8वें में कुछ क्वेश्चनों को थोड़ा सा तोड़ के दे देता है, जैसे 8 नंबर का प्रश्न, जैसे 7वें का कै में 2 प्रश्न दे दिया आपको है और खै में आपका 1 प्रश्न दे दिया। जैसे 8वें के साथ, जैसे 7 नंबर का प्रश्न है, 8 नंबर का है ना, मतलब क्वेश्चन संख्या 7 का कै, ठीक है, इसमें 2 प्रश्न दे दिए हैं, कै में भी बना दिए नंबर 1 नंबर 2। कै में नंबर 1, यदि x की पावर y की पावर x-y है तो सिद्ध करो dy/dx बराबर इतना, पहली चीज। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि fx बराबर इतना, तो उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो। तो यानी कि ये 7वें का कै प्रश्न था, तो कै में ही 2 प्रश्न दे दिए a और b, यानी कि 4 नंबर का ये और 4 नंबर का ये, और 1 8 नंबर का दे दिया, मान लीजिए कोई भी एक a इनवर्स निकालने का दे दिया आव्यूह में से। अब या तो इन दोनों प्रश्नों को कर दो या 7वें के खै को कर दो, बीच में लग रही है अथवा। तो समझो जरा बात को, यदि अब इसमें से आपके दिमाग में आगे सर ये आपने एक क्वेश्चन कर आए और इन सबको छोड़ा ही नहीं, यदि 7वें का कै करोगे तो उसमें ये दोनों के दोनों करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 8 नंबर मिलेंगे। ओके, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं घुमा के, ठीक है। और 7वें का खै कर दो, इन दोनों को मत करो, या फिर इस अकेले कर दो, ए इनवर्स निकाल दो, आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सुन लो, 5-5 अंक के कितने प्रश्न आते हैं? 5-5 अंक के आते हैं 12 प्रश्न, जिसमें से 10 करने होते हैं, इसमें भी चॉइस मिलती है। जैसे 5वें के कै खै गै घै ढ च, ये 6 प्रश्न दे रखे होंगे, इनमें से कोई भी 5 प्रश्न आपको हल करने होंगे 5-5 नंबर के। ऐसे 6 में मिलेंगे कै खै गै घै घै च, तो मतलब इसमें भी आपके 5 प्रश्न करने हैं, 5 ऊपर में से 5 नीचे में से, यानी कि इसमें 6-6 प्रश्न दे रखे होंगे, कोई भी 5 प्रश्न आपको करने, नीचे से 5 प्रश्न करने, तो कुल मिला के 10 प्रश्न। तो 10×50 नंबर का ये हो गया, 24 नंबर का ये, ठीक है, 8-8 नंबर की ये और ये, तो यानी कि 50 और 20 कितने, 70 70 74, यानी कि 74 नंबर का पेपर तो वैसे ही सॉल्व हो गया अपने आप से। और 6 नंबर का ये, 2 क्वेश्चन इसमें से कर लोगे 2-3 क्वेश्चन, तो 6 नंबर का ये काम खत्म। तो 6 इसमें जोड़ दोगे तो 80 नंबर, तो ये वैसे ही हो गए आपके, कुछ भी नहीं करना, मात्र कितने प्रश्न करने हैं, 10 प्रश्न ये, 3 ये, 13 और 1 14, 14 प्रश्न करने से आपके मात्र 14 प्रश्न करने से 80 नंबर हो जाएंगे क्लियर। अब दिमाग में आ रही होगी सर हमें तो इन 14 क्वेश्चनों को बता दो, तो 14 क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए किस किस नंबर से लेके। सबसे पहली चीज आपका आव्यूह सारणिक से 8 अंक का प्रश्न आएगा ही आएगा। कभी कभी होता क्या है कि
कि ये दोनों में से आठ आठ नंबर का दे देगा, आरयू का ए इनवर्स निकालने के लिए दे देता है ए इनवर्स वाला, या कभी कभी इसमें क्या दे देता है, इसमें दे देता है आरयू विधि से हल कीजिए या सारणिक को प्रूफ कीजिए, प्रूफ वाला आ जाता है, प्रूफ वाला। हो सकता है कि ऐसे दो दो पार्ट बना दे, चार चार नंबर के, एक प्रूफ वाला दे दे और एक थोड़ा सा सारणिक का छोटा सा हल करने के लिए दे दे। तो मतलब ये है कि इसमें से आपका आठ नंबर का आता ही आता है, पहले समझ लेना, चैप्टर को टिक कर लेना आठ नंबर का कहां से, और मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा इसमें से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने बना दी है, आपको मिल गई होगी, ठीक है। ये आरयू और सारणिक की आठ नंबर के प्रश्न मैंने आपको 12 प्रश्न छांट के दिए, बस उनको कर लेना, उनसे ही आपका आठ नंबर क्लियर हो जाएगा ये दोनों में से, ठीक है। इन दोनों में से आठ नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। पहली चीज आपका एक एक ध्यान से समझना, एक यहां से आठ नंबर का हो गया, इन दोनों में से ही आता है कभी कभी, या एक में से आएगा, तो यानी कि यहां से आठ नंबर के दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं या एक भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा, और आठ नंबर का कहां से आएगा, एक आठ नंबर का सवाल आपका अवकलन के अनुप्रयोग से आठ नंबर का आएगा, एक कहां से आएगा, यहां से आठ नंबर का आएगा सवाल, ठीक है। एक यहां से देखिएगा, अब होता क्या है, यहां से देखिए, यहां से आपका आठ नंबर का एक प्रश्न आएगा, यहां पे कभी कभी एक आ जाता है, कभी कभी दो आ जाते हैं, ध्यान से समझ लेना। कुल मिला के बात ये तीन चैप्टरों से आपके एक दो तीन, इन तीन चैप्टरों से तीन आठ नंबर के प्रश्न आने ही आने हैं, ध्यान से समझ लेना, एक दो तीन इन तीनों में से, ठीक है। एक अवकल समीकरण में से डेफिनेटली आता है, एक अवकल समीकरण में से आपका आठ नंबर का सवाल आता है, समझ में आ गई बात, ठीक है। एक आठ नंबर का यहां से आ गया, ठीक है। एक इन दोनों चैप्टरों में से आठ नंबर का आता है, आठ नंबर का एक प्रश्न यहां से आता है। टोटल में आके कितने आ रहे थे पेपर में आठ नंबर के प्रश्न, आठ नंबर के आ रहे थे आपके छह प्रश्न, देखिए ये लिख रहे हैं, छह प्रश्न आने थे जिसमें से तीन आपको करने थे, ठीक है। देखिएगा कितने प्रश्न मैंने बता दिया आपको, एक तो यहां से आठ नंबर का, एक दो, और एक यहां से तीन, एक यहां से चार, एक यहां से पांच, और एक कहां से आएगा, एक या तो कभी कभी क्या होता है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके दे देता है, या यहां से दो दे देगा इन तीनों में से, इस तीनों चैप्टर बताए थे ना, ये वाले तीन चैप्टर बताए थे ना, ये इनसे आठ नंबर का ये तो आना ही आना है 100%। कभी कभी यहां से क्या देता है, दो प्रश्न दे देता है, या कभी कभी क्या देता है, यहां से दो या तीन प्रश्न आते हैं, दो या तीन, दो तो आने ही आने, कभी कभी तीन दे देता है, तो तीन प्रश्न यहां से आ सकते हैं, तो छह प्रश्न वैसे हो गए। यहां से नहीं तो कभी कभी यहां से दो दे देता है, यहां से दो दे देता है, तो छह हो जाते हैं। यदि यहां से ना दे तो वो क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यहां से एक क्या करना था, चार चार नंबर के खंडों में तोड़ देता है, चार चार नंबर के खंडों में, कैसे कि एक यहां से दे दिया उच्चतम न्यूनतम वाला, कभी क्या होता है समाकलन का दे देता है, छोटे छोटे प्रूव करने वाले सवाल, ठीक है। चलिएगा ये हो गया, एक यहां से तो आता ही आता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आठ आठ नंबर के सवाल कहां से आएंगे, इन चैप्टरों को ज्यादा से ज्यादा निचोड़ के पीना है, निचोड़ के करना है। अब कि सर यहां से हमको इंपोर्टेंट बता दो, देखिए समाकलन के आठ आठ अंक के प्रश्न प्रूफ करने वाले मैं आपको दे चुका हूं, यहां से दे दिए हैं मैंने, जिन्होंने नहीं देखे जाकर देख लेना, उनमें से ही आएगा आठ नंबर का एक प्रश्न। एक मैंने अवकल समीकरण के आठ नंबर के ये भी बता दिए मैंने, ठीक है, और एक वीडियो मैंने ये भी आपको डाल दी। अब बची क्या, एक अवकलन के अनुप्रयोग, और ये अवकलन के अनुप्रयोग में से डाल दूंगा मैं कहां से आएगा, ठीक है। चलिएगा, और आपका इन दोनों का मैं एक साथ डाल दूंगा, यहां से एक सवाल आना ही आना है आठ नंबर, कौन सा, दो दे रखे होंगे प्लान, उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए, न्यूनतम दूरी बीच की दूरी निकालने, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इस तरह से आता है, तो वो प्रश्न आना ही आना है, तो वो चीज यहां से आठ नंबर का, ठीक है। और किसी चैप्टर से आठ नंबर का प्रश्न नहीं बनता है और ना ही आया, ठीक है। पुराने सवालों को देखो, पुराने आप मैं कह रहा हूं, ये देखिए पुराने आप 2010 से लेकर 2022 तक के पेपरों को देख लीजिए, वहां से आपको दिखाई देगा जो मैंने चैप्टर बताए उन्हीं में से बार 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 हर बार रिपीट होते हैं आठ नंबर के प्रश्न इन्हीं चैप्टरों से। आपके पास में मॉडल सभी के पास होगा, मॉडल सभी के पास में होगा, मॉडल के पेपर में पीछे देखना, तीन पेपर दे रखे होंगे, तीनों पेपरों में देखोगे आठ नंबर का प्रश्न इन्हीं चैप्टरों से होगा, इनसे बाहर होगा ही नहीं, ठीक है। तो बस इन्हीं चैप्टरों से आठ नंबर का प्रश्न बनता है, वो चीज आप देख लीजिए। अब पांच नंबर का प्रश्न की हम बात करते हैं, पांच नंबर का कहां से बनता है, याद रखना पांच नंबर का एक प्रश्न, देखिए पांच नंबर का यहां से बनेगा पांच नंबर का, ठीक है। अब पांच नंबर का तो वही सभी में से बनते हैं, लेकिन मैं बताऊं आपका पांच नंबर का एक इसमें से बनेगा, ठीक है, यहां से भी पांच नंबर का बनते हैं,
अवकलनीयता में से शांतता और अवकलनीयता में से भी आपका समाकलन का तो वो पांच नंबर का प्रश्न बनता है। इनमें सभी में से पांच पांच नंबर के प्रश्न बनते हैं। इसमें से यदि आठ नंबर का इसमें से बनेगा तो पांच नंबर का इसमें से बनेगा, पांच नंबर का इसमें से बनेगा तो आठ नंबर का इसमें से बनेगा। और इसमें से कैसे टुकड़ा होता है पांच कोमा एक, एक पांच नंबर का प्रश्न इसमें से आना ही आना है 1000% नहीं 1000%। एक प्रश्न यहाँ से पांच नंबर का आना ही आना है 1000% नहीं 1000%। पांच का आता है, एक तीन का आता है, फिर दो का आता है और एक का आता है। इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं, पांच तीन आठ दो दस इस तरीके से होता है, या कभी कभी पांच दो दो के दो और एक इस तरीके से। पांच नंबर का तो एक प्रश्न आना ही आना, इसमें से मात्र चार प्रश्न आते हैं। इसमें से पूरी परीक्षा में दो प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर का होता है और एक आपका पांच नंबर का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज है। त्रिभुज ज्यामिति में से यहां से पांच नंबर का भी आएगा 8+5, यहां से एक पांच नंबर का आना ही आना है डेफिनेटली। यहां से आपका पांच का आता है, दो का आता है, फिर एक का आता है, इस तरह से आता है। एक पांच का प्लस कभी कभी एक एक के एक बहुविकल के प्रश्न में भी आता है। इस तरह से प्रश्न का एनालाइज होता है। समझ में आ गए? सबसे मेरा मोटिव था आपको केवल और केवल आठ आठ के प्रश्नों को बताने का। ठीक है, आठ आठ के प्रश्न बता दिए, पांच पांच के तो बाकी सब बनते ही हैं। ठीक है, पांच पांच के कितने हैं 10 प्रश्न हैं। 10 के लिए मैं आपको टोटल मिला के कितने प्रश्न देने वाला हूं वो भी मैं आपको बता दूंगा। पांच पांच के अंकों की सूची में एक साथ दे दूंगा आपको 50 प्रश्न से। देखिए आप सुनिए, टोटल मिला के कितने में क्वेश्चन आपको दूंगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, वो चीज तो आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़िएगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब ये समझिए, सबसे पहले कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और चैप्टर में भी क्या पढ़ना है वो चीज सीखो। सबसे पहले आपको पढ़ना है ये वाला चैप्टर। सबसे पहले इस रैखिक प्रोग्राम को खत्म कर दीजिए सबसे पहले नंबर पर, और साथ में फिर इसको पढ़िए दूसरे। और याद रखना ये दोनों चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाते हैं, दोनों चैप्टर एक दिन में, या फिर आप क्या कर लो एक और एक दो दिन लगा लो, एक और एक दो दिन, तो ये कितने हो गए दो दिन में ये पूरे के पूरे दोनों के दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इनकी तैयारी पहले करो। ठीक है, उस तरह से करोगे इसमें पांच नंबर का सवाल आएगा वो मैं आपको बता दूं। रैखिक प्रोग्रामिंग के सारे मात्र चार सवाल दूंगा, उनको कर लेना आप। चार सवाल देखिए, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उनको पढ़ते रहिए, उसके बाद यदि आप पूरे दिन में मात्र पांच सवाल भी सॉल्व कर पा रहे हो या 10 सवाल भी सॉल्व कर दे रहे हो तो भी आप 10 दिन में पूरे मैथ की बाजी मार लोगे, 12 दिन में पूरे मैथ की बाजी मार लोगे। ठीक है, और मुझे ये भी भरोसा है आप पर कि आप ऐसे स्टूडेंटों का सारे चैप्टर पढ़ने के बाद भी मैथ के एक दिन में 20 सवाल करने की क्षमता रखते हो। हर कोई स्टूडेंट 20 से ज्यादा सवाल करने की क्षमता रखता है, एक दिन में 20 सवाल आराम से कर लेगा। ठीक है, छोटे हो या बड़े हो सबको। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले आपने ये चैप्टर पढ़ा 6 अंक क्लियर, मात्र 4 सवाल करने से 20 मिनट में 4 सवाल कर लोगे, 5-5 मिनट में एक खत्म। फिर ये इसमें प्रायिकता में मैं आपको कितने सवाल देखे, प्रायिकता के टोटल मिला के सवाल भी मैं आपको बता दूं। देखिए आप देखिए सवाल भी मैं आपको बता दूं कितने कितने सवाल टोटल यदि मैं सवाल भी बता दूं, देखिए सवाल मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा ये टोटल इसमें से आपका कैसे समझ लीजिए, इसमें आपके 15 सवाल समझ लीजिए, इसमें आपके 4 सवाल समझ लीजिए, और इसमें दोनों में मिला के 25 सवाल समझ लीजिए, और इसमें इसको कलन को एक साथ रखेंगे हम कलन के सवालों को, इसमें से कितने हैं, इसमें से आपका 20 सवाल समझ लीजिए, और इसमें से भी आप कितने 10 से 12 सवाल समझ लीजिए, इन दोनों चैप्टरों में से कितने 10 से 12 सवाल, चलो 15 कर लो कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटी 15 सवाल। इसमें से 15 सवाल पढ़ो, इसमें से 20 सवाल पढ़ो, और इसमें से 25 सवाल पढ़ो, इसमें से 4, इसमें से 15, तो कितने हो गए, चलो ये कितने हो गए 30, 25 और 5, 30, 10, 40, 44 और 20 कितने हो जाएंगे 64, चलो 65 मान लो, 65 और 5 कितने हो गए 70, 70 10, 80 सवाल हो गए और 70 इसके मान लो, 70 टोटल मिला के इस यूनिट के कितने 70 सवाल मान लो, 70 सवाल इसके, तो कितने हो गए 150 सवाल हो गए, प्लस 5 मॉडल पेपर करिए आपके पूरे 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। अब ये 70 सवाल किस तरीके से, जैसे कि समाकलन के 5 सवाल मैंने दिए थे प्रूफ करने वाले, उसमें से एक 8 नंबर का सवाल आएगा। अवकल समीकरण के मैंने 8-10 सवाल दिए हैं, उसमें से भी एक सवाल आएगा आपका। ऐसे ही आपके मैं समाकलन के अनुप्रयोग इनमें से आपका दे दूंगा, ये भी आपको मैंने दे दिए हैं सवाल, इसमें से 10-12 सवाल दिए हैं, 12 सवाल, उसमें से भी आपके कितने 8 नंबर का एक सवाल आएगा। बाकी बचे हुए ये
और भी सिकंदर दा महान, सिकंदर दा ग्रेट, इस तरीके उन्होंने क्या, पहले छोटे छोटे राज्यों को जीतना सीखो, फिर पूरे उसको जीतो, ठीक है, राष्ट्र को इस तरीके से युक्ति बनाओ, पहले छोटी छोटी चीजों पर कब्जा करो, फिर उन चीजों पर जीत हासिल कर लोगे तो फिर आपका आत्मविश्वास बनेगा, मोटिवेशन भी आएगा कि हमने इतना कर लिया, ठीक है। होगा क्या कि आप इस पूरी चीज पर लगे रहोगे तो उसमें क्या है कि ये भी पूरा नहीं हुआ और बाकी छूट गए, तो ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेखिक प्रोग्रामिंग को पहले पकड़ना है। अब मैं सब पर आपको नंबरिंग भी डाल दे रहा हूँ, अब इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है, सारे नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, अब मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है, मैंने पूरे बता दिए थे, अब देखिएगा ये पूरा खत्म कहानी। पहले आपको रेखिक प्रोग्रामिंग पढ़ना है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये, और तीसरे नंबर पर ये, और चौथे नंबर पर ये, और पाँचवें नंबर पर ये वाला है पाँचवें नंबर पर, और क्या है छठे नंबर पर ये, छठे और सातवें नंबर पर ये, और बाकी बचे हुए ये, बाकी बचे हुए ये, ठीक है, ये वाला सात के बाद में, फिर सात के बाद में ये आठ, फिर नौ, फिर दस, फिर ग्यारह और फिर बारह, इस तरह से पढ़ने हैं, ठीक है, बारह दिन में पूरा चैप्टर खत्म, इसी तरीके से पढ़ना, यही क्रम लगा लीजिए आपको, ठीक है, बारह दिन में पूरा फिनिश, समझ में आ गई बात। तो ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, और साथ में मैं 150 क्वेश्चन आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, 150 में से मैं आपको किस किस चीज के दे चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखे वो वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। पहले क्या ये देखिएगा, ये वाला अवकल, ये समाकलन के मैं दे चुका हूं आपको, समाकलन के पांच दे चुका हूं, पांच और दे दूंगा, ठीक है, अवकल समीकरण के मैं दे चुका हूं, और इसकी वीडियो मैंने बना दी है, इसकी वीडियो मैंने बना दी है, इसके बाद में रेखिक प्रोग्रामन के दूंगा, ठीक है, रेखिक प्रोग्रामन के मैं दे दूंगा, आज ही दे दूंगा उनको, कर लेना क्योंकि पहले दिन में इसकी तैयारी, फिर तैयारी के हिसाब से देता रहूंगा, ठीक है, मैं फिर शुरुआत से तैयार करूंगा, ठीक है, पहले क्या दिया है उसको मारा बोले, मैं फिर शुरू से दूंगा, शुरू से पहले दिन इसी तरीके से, पहले दिन इसकी पीडीएफ, फिर दूसरे दिन इसकी, फिर तीसरी इसकी, ऐसी मैं आपको 12 वीडियो दूंगा, और 12 वीडियो में डे वन से मैथ ऐसे लिखा रहेगा, मैथ डे वन, और ये ही काम करना उसी तरीके से, डे वन में मैं ये रेखिक प्रोग्राम के सारे सवाल दे दूंगा, उनको कर लेना, उनको मैं करवाऊंगा भी साथ में, मैं भी उनको सॉल्व कराऊंगा, सारे सवालों को मैं अपने आप से सॉल्व भी कराऊंगा बोर्ड पर, एक सीरीज चला दूंगा आपका, एक सीरीज मेरी पहले से ही 8x5 अंक के प्रश्न की सीरीज, 8x5 अंक वाले प्रश्न, अंक वाले प्रश्न विद सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी कराऊंगा, ठीक है। और हाँ, खास बात यह है कि मैं जो 5 मॉडल पेपर दूंगा अपने हाथ के बने बनाए, उनको जरूर करना है, और पुराने साल के पेपर जरूर देखना है, पुराने साल के पेपर जरूर देखने हैं, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से आता है, पुराने साल के पेपर आप जरूर देखना, पेपर जरूर देखना, 2020 का देख लेना और 2022 का देख लेना, 2020, 2022 और 2019 का भी देख लेना आप, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये पेपर बस सॉल्व करो या मत करो, पर देख जरूर लेना कि किस किस चैप्टर से क्या जो मैंने बताया क्या वो बात सही है या गलत है, वो जरूर देख लेना आप, ठीक है, समझ में आ गई। ये सारी चीज आप देख लीजिए, ये दो सवाल जो मैंने दिए हैं, इन दोनों को सॉल्व भी करके उत्तर मुझे बताना, उत्तर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैथ की स्ट्रेटेजी आपको प्रॉपर समझ में आई होगी, मैथ का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से करना है आपको तैयारी, किस चैप्टर से आपको ज्यादा पढ़ना है वो भी आप समझ गए होंगे, ठीक है, किस चैप्टर पर ज्यादा समय देना है, किस चैप्टर पर कम देना है, किस तरह से करना है, ये भी आप समझ गए होंगे। बाकी तैयारी देखिए, समय बहुत है, आप आसानी से तैयारी भी कर लोगे, लेकिन आपको पढ़ना तुमको पड़ेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन ही देता रहा हूँ, उससे कुछ नहीं है, तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, और बस इतना ही काफी। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।